आज एक बहुत महत्वपूर्ण दिवस है, धनतेरस का दिवस है और धनतेरस के दिवस पर मैं अपने हृदय की गहराइयों से उड़ीसा और राजस्थान दोनों राज्यों के निवासियों को, दोनों राजधानियों से दिल के गहराइयों से शुभकामनाएं अर्पित करना चाहता हूं। भगवान त्रिभुवनेश्वर, तीनों लोकों के देव, भगवान शिव की धरती भुवनेश्वर को मैं सादर नमन करता हूं। भुवनेश्वर का एक नाम है देश में नहीं लेकिन पूरे विश्व में कि मंदिरों का शहर है, इट इज अ सिटी ऑफ टेंपल्स। और एकमात्र शायद ऐसा शहर हो पूरे भारत में जहां हिंदू, बौद्ध एवं जैन संस्कृति का एक अनूठा समागम हमें देखने को मिलता है। तो भुवनेश्वर उड़ीसा का नहीं, मैं निवेदन करना चाहता हूं भुवनेश्वर बैठे हुए मेरे सभी सम्मान्य भाई और बहनों को और अश्विनी जी को भी, भुवनेश्वर को आप उड़ीसा तक सीमित मत रखिए। भुवनेश्वर भारत का गुलदस्ता है और आज केवल एक सिटी ऑफ टेंपल्स नहीं लेकिन आज एक स्मार्ट सिटी में परिवर्तित हो चुका है। आईटी और एजुकेशन का हब बन चुका है, पर्यटन का केंद्र बन चुका है और कहा जाता है कि ऐतिहासिक रूप में भुवनेश्वर को एक मारा क्षेत्र के नाम से पुकारा जाता है। तो आज मेरा सौभाग्य है कि जिस शहर में पर्यटन है, धर्म का केंद्र है, संस्कृति का केंद्र है, शिक्षा का केंद्र है, आईआईटी इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स, एम्स, इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, निफ्ट, इतने आधुनिक संस्थान एक ही शहर में स्थापित हैं और भारत का हॉकी का भी केंद्र अगर कोई शहर है तो वो भुवनेश्वर है भोपाल के अलावा। तो आज मेरा सौभाग्य है कि ये मौका मुझे मिला है। जिस भुवनेश्वर की स्थापना 1948 में हुई थी, स्वतंत्र भारत की पहली प्लैंड सिटीज में से एक है। जर्मन आर्किटेक्ट ऑटो कॉन्जिग बर्गर के द्वारा स्थापित हुई थी एक वेल प्लैंड सिटी के रूप में और आज पूर्वी भारत का एक स्वर्णिम त्रिभुज के रूप में भुवनेश्वर, पुरी और कोणार्क, ये गोल्डन ट्रायंगल में स्थापित है। और जहां एक भारत के पूर्वी क्षेत्र का एक गोल्डन ट्रायंगल भुवनेश्वर है, वहीं हम उत्तर भारत के पश्चिमी क्षेत्र के गोल्डन ट्रायंगल आगरा, जयपुर और दिल्ली के साथ एक दिलों का कनेक्शन नागर विमानन क्षेत्र के साथ हम लोग जुड़ा रहे हैं। मैं बधाई देना चाहता हूं खास करके और धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं धर्मेंद्र प्रधान जी को और अश्विनी वैष्णव जी को, कितने बार मेरे पीछे पड़े ताकि ये कनेक्शन हम लोग दे पाए। और मैं अश्विनी जी को कहना चाहता हूं कि आपने मुझे बिल्कुल परेशान नहीं किया, बिल्कुल इरिटेट नहीं किया। मैं अगर यहां बैठा हूं तो आप लोगों की सेवा के लिए बैठा हूं, मैं तो उल्टा आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, भुवनेश्वर में बैठे मेरे सांसद और मंत्रीगण को और अश्विनी जी को और धर्मेंद्र प्रधान जी को कि आपने मुझे सेवा करने का मौका दिया। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। भुवनेश्वर एयरपोर्ट में आज 38 एयरक्राफ्ट मूवमेंट्स हैं, 19 शहरों के साथ जुड़ा हुआ है और आज जो कदम उठाया गया है केंद्र सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कि देश के कोने कोने को हम जुड़वाएं, मैं बधाई उड़ीसा की सरकार को भी देना चाहता हूं
क्योंकि वीजेएफ की फंडिंग इस एयरप्लेन की फ्लाइट को भी आप लोगों ने दिलवाई है। तो सहकारी संघवाद कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एक अनूठा उदाहरण इस फ्लाइट के जरिए भी हम देश में प्रदर्शित कर रहे हैं। नागर विमानन क्षेत्र की एक मल्टीप्लायर इफेक्ट होती है। ये केवल दो शहरों को नहीं जोड़ रहा, ये केवल दो राजधानियों को नहीं जोड़ रहा, ये केवल दो राज्यों के दिलों को नहीं जोड़ रहा, लेकिन इसके साथ इकोनॉमिक मल्टीप्लायर, आर्थिक मल्टीप्लायर, हर 100 रुपए का निवेश नागर विमानन क्षेत्र में 325 रुपए जीडीपी में ऐड करता है। और जहां आर्थिक मल्टीप्लायर होता है वहां एक रोजगार का मल्टीप्लायर भी होता है। हर एक रोजगार के अवसर के साथ नागर विमानन क्षेत्र में 6 रोजगार के अवसर अप्रत्यक्ष रूप से उत्पन्न होते हैं। तो एक इकोनॉमिक और एम्प्लॉयमेंट गेटवे भी नागर विमानन क्षेत्र होता है। तो आप सबको मैं अपने दिल के गहराइयों से बधाई देना चाहता हूं। उड़ीसा और भुवनेश्वर हमारे लिए प्राथमिकता रखता है। जो पहली कमर्शियल फ्लाइट 1962 में जो शुरुआत हुई थी कलिंगा एयरलाइंस के जरिए, मैं देख रहा था जब अपराजिता जी और सस्मित पात्र जी और सुजीत कुमार जी और पांडा जी दीप प्रज्वलन के लिए जा रहे थे, पुरानी एयरक्राफ्ट वहां आज भी टंगी हुई है। ये हमारी पूंजी है जो शुरुआत वहां से हुई थी। आज डोमेस्टिक टर्मिनल में 25 लाख की कैपेसिटी है, क्षमता है। इंटरनेशनल टर्मिनल में 300 लोगों प्रति घंटे की क्षमता है। इन दोनों टर्मिनल्स को हम जोड़ने जा रहे हैं योजना के तहत 200 करोड़ रुपए के निवेश के आधार पर, और आने वाले समय में 35 लाख की क्षमता भुवनेश्वर एयरपोर्ट में बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल में हम देने की पूरी पूरी कोशिश करने वाले हैं। हमारी कोशिश है कि जो आज प्रधानमंत्री जी ने COP26 में भी कहा है कि भारत 2070 तक नेट जीरो इमिशन नॉर्म्स के तहत वो कीर्तिमान स्थापित करेगा, तो हमारे सारे एयरपोर्ट्स को भी हम लोग ग्रीन करने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे इस बात की खुशी है कि 4 मेगावाट की सौर ऊर्जा की कैपेसिटी भुवनेश्वर एयरपोर्ट पे हमने स्थापित की है। 80% खपत ग्रीन एनर्जी की भुवनेश्वर से होती है, एयरपोर्ट से। तो एक नई कीर्तिमान भुवनेश्वर एयरपोर्ट भी स्थापित कर रही। प्रधानमंत्री जी की सोच और विचारधारा है कि उड़े देश का आम नागरिक, उड़ान योजना के तहत देश के कोने कोने में एयरपोर्ट है। वो इस बात की प्रतीक है कि जहां द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हवाई पट्टा ही गायब हो गई थी, आज प्रधानमंत्री जी के द्वारा वो हवाई पट्टा स्थापित होने के बाद 1 लाख लोग प्रति माह उस झरसुगुड़ा के एयरपोर्ट से देश के कोने कोने तक पहुंच पाते हैं। हवाई चप्पल वाला भी हवाई सफर करे, ये प्रधानमंत्री जी का संकल्प आदेश है हमारे मंत्रालय को। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं जो अपराजिता जी ने और हमारे पांडा जी ने और सुजीत जी ने इंटरनेशनल कनेक्शंस की बात की और जम्मू और बाकी शहरों की बात की, हम प्रयासरत रहेंगे आपके हर आशा और अभिलाषा पर खड़े उतरने के लिए, प्रधानमंत्री जी की सोच और विचारधारा को जमीन तक लाने के लिए हम लोग संकल्पित हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, यही हम लोगों का मूल मंत्र है। और इसी सोच विचारधारा के साथ आज के इस फ्लाइट के लिए मैं आपको दिल के गहराइयों से शुभकामनाएं देना चाहता हूं, और दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सबको, और दोबारा खास करके धर्मेंद्र प्रधान जी और अश्विनी वैष्णव जी को बहुत बहुत धन्यवाद, जिनके बहुत सफल प्रयासों से आज ये फ्लाइट संभव हो पाई है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।